मुंबई हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दुर्घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि कैसे महिला का शव 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया और फिर उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस को बताया कि हादसे के वक्त मिहिर खुद कार चला रहा था। अधिकारियों ने अब तक की जाँच का हवाला देते हुए बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पर अब तक पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं मिले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों को आश्वस्त किया था कि मामले में इंसाफ होगा। कोई भी चाहे क्यों ना हो, अपराधी अपराधी की ही कैटेगरी में होगा, सभी के साथ कानून न्याय करेगा। एकनाथ शिंदे ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि शिवसेना नेता का नाम इसमें आया और अब उनकी ओर से ये आश्वस्त किया गया था कि इस मामले में कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानून सबके लिए समान है। तो ऐसे में अभी खबर जो मिल रही है कि मुंबई हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को कोर्ट में पेश किया गया। मिहिर शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है, अपने परिवार संगी छुपकर बैठा हुआ था। और पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा, रविवार सुबह करीबन 5:25 की अगर बात करते हैं तो ये 5:25 की घटना है और मिहिर शाह BMW चला रहा था। उसकी टक्कर होती है पीड़िता की स्कूटी से, 1.5 किलोमीटर तक वो उसको घसीटता रहता है और उसके बाद में घसीटने के बाद भी फिर दोबारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। बांद्रा वर्ली सी लिंक के पास में जाकर ये कार रुकती है। मिहिर शाह और उसके ड्राइवर ने उतरकर कार देखी, फिर मिहिर ने घर पर फोन किया और उसके बाद सीट बदल ली, जो जानकारी अभी तक मिली। और इसी पूरे मामले में लगातार एक्शन जारी है। खबर यह है कि मिहिर शाह की गिरफ्तारी के साथ इसे कोर्ट में पेश किया गया या किया जाएगा। इसको लेकर अपडेट लेते हैं एक बार सत्यप्रकाश से। सत्यप्रकाश, कोर्ट में पेश किया जा चुका है तो पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही होगी, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए माननीय कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस कस्टडी दी है और जो पूछताछ के दौरान खुलासे हुए हैं उसको लेकर पुलिस भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिहिर शाह ने पुलिस को बताया है उनमें बहुत सारी अनियमितताएं असमानता है, इसलिए पुलिस राजऋषि जो ड्राइवर है उसको और आरोपी मिहिर को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ कर सकती है। और दूसरी तरफ परिवार की तरफ से जो भी साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है उसमें भी पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं, मतलब परिवार को भी एक बार फिर से पुलिस स्टेटमेंट ले सकती है, उनकी जवाबदारी ले सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो बयान मिहिर के पिता राजेश शाह ने दिया है बयान मिहिर ने दिया था, लेकिन दोनों में अनियमितताएं हैं, इसलिए पुलिस जो है रिक्रिएशन भी कर सकती है, यानी पुलिस घटना स्थल पर आज मिहिर को लेकर जा सकती है, पब में भी लेके जा सकती है। करने के बाद सीधा जो है वर्ली गया था, लेकिन इस तरह की चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने जो जानकारी पुलिस को दिया है कि मिहिर जुहू पब से निकलने के बाद सीधे बोरीवली गया था, बोरीवली से फिर वापस वह वर्ली आया था, इस तरह की जानकारी मिली है। तो पुलिस इस पूरे मामले को तक जाना चाहती है, क्योंकि पुलिस को जो लिंक मिली है, जो कड़ी मिली है, उससे जोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और कड़ी में अब तक जो भी बयान, चाहे वो ड्राइवर को राजकृषि के हो या उनके पिता राजेश शाह के हो या फिर मिहिर के, बयान मेल नहीं खाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं साक्ष्य छुपाने की कोशिश अभी भी जारी है, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले को और तक जाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि आज पुलिस ड्राइवर राजऋषि और मिहिर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। चले, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।